सिद्धाणं ब्रह्मो आयरीयाणं ब्रह्मो वज्झायाणं ब्रह्मो लोये सव्यसाहूणं ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। डॉक्टर उज्ज्वला जी शाह द्वारा लिखित पुस्तक जिनागम का कारण कार्य रहस्य, इस विषय पर अपन अपनी चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहले पत्र में सर्वज्ञ का स्वरूप हम समझ रहे हैं। कल अपनी बात कोई व्यक्ति द्रव्यानुग के सिद्धांतों को मात्र बौद्धिक स्तर पर स्वीकार करता है, परंतु लौकिक आचार विचारों में मन चाह स्वच्छंदी आचरण पुष्ट करता है, वह व्यक्ति गलत मार्ग पर है। दूसरों पर अन्याय करना, अनीति से धन कमाना, अवक्ष भक्षण करना, परिणामों की क्रूरता, तीव्र पाप परिणाम, ये सारी बातें सम्यक्त प्राप्ति में बाधक हैं। इस विषय पे हम लोग कल रुके थे। यहाँ ध्यान देने लायक बात यह है कि द्रव्यानुयोग में आए हुए जो सिद्धांत हैं, जिनकी चर्चा हम अगले दिनों में करेंगे, वो मात्र मानसिक व्यायाम नहीं है कि हम बैठकर चार लोग अपनी बुद्धि की कसरत करने के लिए उन सिद्धांतों पे अलग अलग तरीके से विचार कर लें। इन आचार्यों ने ये कहा है, इस ग्रंथ में ये आया है, इस अपेक्षा से ये बात है, मात्र इतना ही करके कोई इतिश्री माने और उनके जीवन में वो बात नहीं आ पाए, तो फिर वो व्यक्ति गलत मार्ग पर है। बल्कि द्रव्यानुयोग के सिद्धांतों को समझकर अपना जीवन इतना भीगना चाहिए कि उसमें अन्याय, अनीति और अभक्ष भक्षण का भाव ही ना आए, परिणामों की क्रूरता नष्ट होवे, तीव्र पाप का परिणाम नहीं आए, तब वास्तव में सम्यक्त की भूमि तैयार होती है। बालबोध में भी हमने जब अभक्ष भक्षण वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें एक बात आई थी कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ कि उसमें अभक्ष भक्षण का भाव ही ना आए। इसी तरीके से बाकी सारी जगह हम लगा सकते हैं कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाएं कि उसमें पाप करने का भाव ही ना आए, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाएं कि उसमें अन्याय करने का भाव ही ना आए, अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाएं कि उसमें अनीति करने का भाव ही ना आए। तो मूल रूप से अन्याय, अनीति और अभक्ष का परिणाम ये भाषा है कि बनाओ अपनी आत्मा को पवित्र, पर वस्तु स्थिति यह है कि जिनको द्रव्यानुयोग के सिद्धांत समझ में आते हैं, जैन शासन का मर्म समझ में आता है, उनके जीवन में अन्याय, अनीति रहती नहीं है। तो ये एक ही बात को कहने के दो तरीके हैं। जब उपदेशात्मक भाषा में कहा जाता है, तब ये कहते हैं कि अपनी आत्मा को इतना पवित्र बनाओ, और जब वस्तु स्थिति की ओर से बात करते हैं, तो उन सिद्धांतों की समझ से अपना जीवन वास्तव में इतना पवित्र होता है, अंतर्मन इतना पवित्र होता है कि उसमें ये सब भाव नहीं आते हैं। तो ऐसी विचारधारा के साथ, ऐसे संकल्प के साथ अपन आगे का विषय प्रारंभ करते हैं। दिव्या जी आगे पढ़िए। जिस तरह पत्थर पर बोया हुआ बीज निष्फल है, कुछ काम का नहीं है, उसमें अंकुर नहीं फूट सकता, उसी प्रकार तत्व श्रवण करने पर भी जो जीव पाप परिणामों को ही पुष्ट करते रहते हैं, उन्हें उस अमूल्य तत्व श्रवण से कुछ भी फायदा नहीं होता, सारा निष्फल ठहरता है। तत्वों का श्रवण करने तथा श्रवण करके दूसरों को सुनाने और उसके द्वारा
अपना मान पुष्ट करने के लिए तत्व ज्ञान का उपयोग करने वाले जीव भी हैं और वे उतने में ही संतुष्ट रहते हैं। अनंत काल में महादुर्लभ जिनेन्द्र कथित धर्मोपदेश मिलने पर भी उसका मर्म और महानता न पहचानने से वे जीव अपना ही अकल्याण कर लेते हैं। सांप्रत में तो चाहे जिस मार्ग से धन कमाना और उसे भोगों में लगाना, इतनी ही इस मनुष्य जीवन की सार्थक आ रही है। अब नुकसान का हिसाब केवल पैसों में ही गिना जाता है। आत्मिक शांति, आनंद, निराकुलता, अपने अस्तित्व की पहचान तथा ज्ञान, ये सारी बातें शास्त्रों में हैं, मात्र शास्त्रों तक ही सीमित हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीवन में उससे कुछ भी संबंध नहीं है। इस तरह की भ्रांत मान्यताएं उन लोगों में पाई जाती हैं। यही एक बात है जिसका हमने कल डिस्कशन किया था कि हमारे जीवन में और स्वाध्याय भवन के जीवन में, इन दोनों में जो गैप है वो गैप खत्म होना चाहिए। हमें ये भासित होना चाहिए कि हमारी जिंदगी और जिनवाणी की बातें, इन दोनों में बहुत गहरा संबंध है। ये बातें सिर्फ 45 मिनट के सेशन में बैठकर मानसिक व्यायाम के लिए नहीं लिखी गई हैं। पर होता यह है कि उस जीवन को प्रैक्टिकली नहीं समझ पाने से, उन बातों के साथ प्रैक्टिकल कनेक्शन नहीं देख पाने से, हमें ऐसा लगता है अरे नहीं, वो तो वहां की बातें हैं, वहीं रहने दो, यहाँ तो यही चलता है ना, यहाँ तो ऐसी ही बात करनी पड़ेगी ना, यहाँ तो ऐसे ही सोचना पड़ेगा ना। बातें जरूर हो सकती हैं कि हम सिचुएशन के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जो भी बातें करें, पर विचारधारा में जो अंतर है, उस विचारधारा का अंतर खतरनाक है। हम जब ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं, जैनियों के बीच में बैठ के, जैनियों के बारे में माहौल में बैठ के, स्वाध्याय मंदिर में बैठ के हमें इस तरीके से सोचना है, और जब मैं जॉब पे जाता हूँ और सब कामों में जाता हूँ तो हमें दूसरी तरीके से सोचना है, तो ये अभिप्राय में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस वास्तव में उसको एक अलग अलग लेवल देने की वजह से हम उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, और वो कनेक्शन मिसिंग होने की वजह से ही वास्तव में वो बातें हमारे जीवन में नहीं आ पाती हैं। और जब भी कोई ऐसा प्रसंग बनता है तो हम वहां पर पैसों को, भोगों को ऊर्ध्व करते हैं, और सारा हिसाब किताब जो होता है वो पैसों के हिसाब में ही शामिल किया जाता है। हमारा समय कितना बर्बाद हुआ, हमारी शक्ति कितनी बर्बाद हुई, हमारा उपयोग कितना बर्बाद हुआ, इस बात का हमारी ओर ध्यान ही नहीं जाता। तो सही में विचार करें तो कोई ऑफर मिल जाए, फ्री में मूवी का टिकट मिल जाए, कुछ मिल जाए, तो कैसी प्रसन्नता होती है, अरे वाह मेरा लकी ड्रॉ आ गया, या मुझे फ्री में ऑफर मिल गया, या कुछ हो गया। वहां पर इस बारे में कोई विचार अपना नहीं होता है कि जिस काम को करने हम जा रहे हैं उस काम के करने में हमारी कितनी समय शक्ति बर्बाद होगी या क्या होगा। इना वे देखा जाए तो हमारे ऊपर लक्ष्मी इतनी हावी होती है कि हम जगत में हमें कोई विद्वान व्यक्ति भी दिखाई दे जाए तो भी उसका अंतिम समय में हम उसका मूल्यांकन पैसों से करते हैं। उस व्यक्ति ने कितनी आत्म शांति पाई, कितना शालीनता से जीवन जिया, कितना सात्विक जीवन जिया, उसकी महानता हमें दिखाई नहीं देती है। और उसी समय अगर हमें कोई बहुत बड़ा सेठ दिखाई दे जाए तो उसके प्रति अहोभाव आता है। तो ये सब बातें तभी होती हैं, आप अगर दो पैराग्राफ पहले का विचार करेंगे, ये सब बातें तभी संभव हैं जब हमें जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था का गहराई से निर्णय ना हो और उसे हमने मात्र सुनने तक सीमित रखा होगा, तो ही ये संभव है, अन्यथा ये सब बातें अपने जीवन में होना संभव नहीं है। यहाँ पर कोई प्रश्न किसी को खड़ा होता है, कोई और विशेष बिंदु ख्याल में आता है तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। आगे चलते हैं।
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तत्व ज्ञान के अध्ययन से कुछ उपलब्धि होती नहीं दिखाई देती, सम्यक दर्शन नहीं होता व तत्वों का आकलन नहीं होता, इस कारण संभ्रम में पड़ते हैं। ये सारा पढ़ने से क्या फायदा? पूछने वाले मिलते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यह पढ़कर कितने जीव सम्यक दृष्टि हुए। अहो, ज्ञानी जीवों से ही देशना की प्राप्ति कार्यकारी होती है। अहो, हमें सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन करना है। अनेक सालों से सम्यक दृष्टि जीव के सहवास में आने पर भी उन्हें उनकी पहचान नहीं होती। समयसार गाथा 18 में कहा है कि यह भगवान आत्मा आबाल भोपाल सभी के नित्य अनुभव में आ रहा है, परंतु यही मैं हूँ, इस तरह का ज्ञान उसे उदित नहीं होता। जो स्वयं को पहचान नहीं सकता, वे दूसरों के सम्यक दर्शन को कैसे पहचानेंगे? इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया कि कभी कभी बहुत लंबे समय तक इन बातों को मात्र सुनते सुनते ऐसा महसूस होने लगता है कि सुनने से कोई फायदा नहीं है, कुछ हुआ नहीं। बताओ कितने लोग तो सुनते हैं, किसी के जीवन में हमें तो परिवर्तन दिखाई देता नहीं है। तो एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम इन सब बातों का आकलन दूसरों का जीवन देख के करना चाहते हैं और अपने जीवन में भी मात्र सुनने को ही प्रमुखता देकर ये देखना चाहते हैं कि हमारा जीवन उज्जवल हो जाए। पिछले पैराग्राफ में जो बात कही थी कि हमें वो जीवन जीना पड़ेगा, जब तक हम उसके साथ कनेक्शन फील नहीं करेंगे तब तक वो हमारे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, तब तक वो बात मात्र शास्त्र सभाओं की बात होके रह जाएगी और फिर अंत में ऐसा लगेगा कि ये सब पढ़ने सुनने से कोई फायदा नहीं हुआ, हमने इतनी मेहनत की कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो कोई सम्यक दृष्टि जीव मिले, उसके दर्शन हो तब तब वो काम बनेगा। तो इसमें एक रेफरेंस दिया कि भैया जिसे अपने आत्मा की ही खबर नहीं आ रही है वो हमेशा ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, जिसमें आत्म राम अरे आबाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। जब वो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो दूसरों के सम्यक दर्शन को भी कैसे पहचानेंगे। और कई बार कई सारे जीव सम्यक दृष्टियों के बीच में रहकर भी कोरे रह जाते हैं। तो ये सब बातें तभी संभव होती हैं जब वो उथला उथला जीवन होता है, जब जीवन में गंभीरता होवे, इस मार्ग के प्रति गहरी रुचि होवे, लगन होवे, समर्पण होवे, किसी दूसरे को दिखाने के लिए हमने स्वाध्याय अंगीकार नहीं किया है, किसी दूसरे को, एक और पैराग्राफ पहले बात आई थी कि किसी और को सुनाने के लिए हमने ये स्वाध्याय का उद्यम नहीं किया है, बल्कि हमारा जीवन पवित्र हो और हमने ये निर्णय किया है कि वास्तव में सच्चे देवशास्त्र गुरु सुखी हुए हैं और यही मार्ग वास्तव में हमें सच्चे सुख की प्राप्ति कराएगा। तो ये मेरी अपनी लाइफ है, मेरा अपना जीवन है, मेरा अपना निर्णय है और मुझे मेरा अपना जीवन उज्जवल बनाना है। इस भावना से जो जीव इस मार्ग में लगते हैं उनके जीवन में ऐसा प्रसंग कभी नहीं बनता कि वो हताश हो जाएं और ये कहें कि क्या होता है पढ़ने सुनने से। ये क्या होता है पढ़ने सुनने से ही ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट ही इटसेल्फ ये दिखाता है कि उन्होंने उस बात का पहला स्टेप ही अंगीकार किया है, उसका निर्णय नहीं किया है। क्योंकि जिस बात का निर्णय हो जाता है उस बात में किम कर्तव्य विमूढ़ता कभी नहीं होती है कि अब हम क्या करें। जैसे मुझे मान लीजिए निर्णय है कि मेरे ऑफिस जाने का ये रास्ता है, तो रास्ते में कोई चौराहा आता है तो मुझे कभी भी ये कंफ्यूजन नहीं होता है कि अब मैं किस रास्ते से जाऊं, क्योंकि मेरा निर्णय है कि मुझे इस रास्ते से जाना है, इस जगह पहुंचना है। तो ऐसे ही सबसे पहले स्वाध्याय के माध्यम से हमने ये निर्णय किया, या हम अभी निर्णय की बात आगे करेंगे कि ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु ने सुखी होने का मार्ग बताया है और उस मार्ग पर ज्ञानी गुरु धर्मात्मा निरंतर बढ़ते हैं, तो उस मार्ग में फिर कंफ्यूजन होने की कोई संभावना खड़ी नहीं होती। कोई और विशेष बात यहाँ ख्याल आती है?
अतिशय भाई, कोई विशेष बिंदु आपके अपने अनुभव से? नहीं ठीक है, सही है। आपके जो विषय चल रहा है वो अच्छा चल रहा है अभी, इसमें तो मुझे भी ख्याल में नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो अच्छी बात है। आगे चलते हैं। कोई ऐसा नहीं कहता कि मुझे मेरे शुद्धात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे स्वयं को ही पहचानना है। सम्यक दृष्टि जीव के मात्र दर्शन से क्या लाभ होगा? हाँ, आत्मानुभूति के लिए उनका उपदेश सुनना तथा उन्हें देखकर प्रेरणा पाना ही कार्यकारी है। सम्यक दृष्टि जीव जो उपदेश देते हैं वह आगम के कथनानुसार ही देते हैं, उनका स्वयं का कोई पंथ वे स्थापित नहीं करते। अन्य अन्य धर्मियों के उपदेश में से थोड़ी बहुत अच्छी लगने वाली बातें इकट्ठी करके अपना विशिष्ट पंथ स्थापित करके लोगों को ठगने वाले महाभाग भी पाए जाते हैं। दूसरों का भला करो, पुण्य करने से तुम्हारा कल्याण होगा, इस तरह का बहुजन समाज को रुचने वाला उपदेश देकर शीघ्र लोकप्रियता हासिल करके प्रसिद्धि के शिखर पर विराजमान होकर उन्हें मानने वालों के साथ साथ अपना स्वयं का भी अकल्याण करने वाले गुरु भी जगह जगह विद्यमान हैं। इसलिए देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता का स्वरूप जानकर इन मूर्ताओं से अपना बचाव करना आवश्यक है। उसी प्रकार छह अनायतनों का त्याग भी आवश्यक है, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और इन तीनों के सेवक के धर्म के अनायतन अस्थान हैं। इनमें पूज्यत्व, बुद्धि, आदर, महानता भाषित होना भूल है, जिसे टालना जरूरी है। बेटियों, आजकल तो बालक जन्मते ही पोलियो, हेपेटाइटिस, थोड़े ही दिनों में ट्रिपल मीजल्स, MMR आदि अनेक प्रकार के रोग निवारक डोज और इंजेक्शंस हम देते हैं, जितनी बार जरूरी है उतनी बार पुनः पुनः देते हैं। उसी प्रकार तीन मूर्ता और छह अनायतन, इन दोषों से बचने के लिए हमें मूर्ता निवारक स्वाध्याय के डोज और इंजेक्शंस पुनः पुनः लेना अनिवार्य है। शारीरिक रोग निवारण के लिए लोग जितना जागरूक एवं कटिबद्ध रहते हैं उतना मान्यता अभिप्राय के दोषों का निवारण करना तो दूर ही रहो, उस संबंधी विचार भी उनके मन को छूता नहीं है। इसका एकमात्र कारण है शरीर में एकत्व बुद्धि। शरीर ही मैं हूं ऐसी अनादि की मान्यता इस भव में भी कायम रखकर उसके कारण जन्म मरण का भव चक्र वे कायम घुमाते रहते हैं, इस बात का पता भी उन जीवों को नहीं होता। इसमें मूल रूप से मूर्ता संबंधी बात आई है और मूर्ता में हर तरीके का अपना विपरीतता कह लेवे, अनद्वशाय भी कह लेवे कि कौन दिमाग लगाए, ठीक है ना, चलता है ना, इतना तो होता है। तो देव गुरु और धर्म के संबंध में कहें या देव गुरु और लोक के संबंध में जो मूर्ताएं हैं, अज्ञान है, वो वास्तव में चमत्कार दिखाने वाले लोग भी आज दुनिया में इतने ज्यादा हैं कि आपको लुभाने वाली बातें कह के बहुत सारी भीड़ इकट्ठे करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। तो इस समय अपने को अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए। अमूर्त दृष्टि अंग में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, कोई बताएगा? हेलो, आवाज आ रही है? कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं? देवयानी। हाँ, तो उनके जीवन में क्या हुआ था, किसी भी चमत्कार को लग के
देवगुरु धर्म के संबंध में कोई भी तरीके की कंफ्यूजन उनके जीवन में नहीं आया। तो ऐसे ही हमें सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का निर्णय करना होगा, उनके संबंध में कोई भी कंफ्यूजन अपने दिमाग में नहीं होना चाहिए। देव के संबंध में, गुरु के संबंध में, धर्म के संबंध में, तत्वों के संबंध में कि तत्व ऐसा ही है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। तो अभी सम्यक दर्शन के 8 अंग इत्यादि सब उसके अंदर आएंगे। यहाँ मूढ़ता के संदर्भ में जब बात चलती है तो सम्यक देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य किसी के प्रति लुभावन पने का जो भाव है वो मूढ़ता में आता है, आदर पने का जो भाव है वो मूढ़ता में आता है। और बारंबार हमें तत्व ज्ञान के टीकों से ये मूढ़ता हमारे जीवन में थोड़ी भी पनपती होवे तो उन वायरसेस को अपने को निकाल देने लायक है। इसलिए उन्होंने कहा कि शरीर के लिए तो कितना ध्यान रखते हैं। आज से 2-5 साल पहले पुणे में स्वाइन फ्लू चला तो सब लोग जा जाके टीके लगवा रहे हैं, सब कर रहे हैं। करना कि नहीं करना वो एक अलग विषय है, बट उसके संबंध में कितनी जागरूकता है कि मेरे को ऐसा रोग ना हो जाए, मुझे ये काम करवाना ही है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो ऐसी जागरूकता हमें अपने दिमाग में लगे हुए ये मूढ़ता संबंधी जो वायरसेस हैं उनके संबंध में भी जागृति होनी चाहिए, क्योंकि जागृति ही वास्तव में दोषों के निवारण का पहला कदम है। जब ये बात ख्याल में आए कि मेरे दिमाग में देव गुरु धर्म के संबंध में क्या विपरीतता चलती है, तो उस विपरीतता को नष्ट करने का उद्यम हम जिनवाणी के माध्यम से करेंगे भी, पर वास्तव में कभी लगे ही नहीं कि हमारे जीवन में कोई मूर्ता है, तो फिर उसका उद्यम भी हम कैसे कर पाएंगे। तो उसका मूल कारण उन्होंने बताया कि अपने को आत्मा ही नहीं जाना तो फिर उसमें लगने वाले रोग को भी क्या पहचानेंगे। शरीर को अपना माना है तो उसमें लगने वाले रोगों के प्रति बहुत जागरूकता रहती है। तो ऐसी हमारी जागरूकता, आत्म तत्व के प्रति बने, सजगता बने, मैं अपने में अपनेपन की स्थापना करूं, तब जाके ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का आनंद अपने को आएगा। और हर क्षण वो दोषों की निवृत्ति होती जाएगी, हम स्वभाव की ओर झुकते जाएंगे और अपना आनंद बढ़ जाएगा। तो ये क्या दोष हैं ये हम आगे चर्चा करते हैं कि देव गुरु धर्म के संबंध में हमारे अंदर किस तरीके की मूढ़ता हो सकती है या होती है। इसलिए सर्वप्रथम सच्चे देव गुरु शास्त्र के स्वरूप का निर्णय जरूरी है। हमारे आचरण तथा अभिप्रायों में कुदेव, अदेव, कुगुरु आदि की श्रद्धा भक्ति बिना तो नहीं है। न देखने के लिए आत्म परीक्षण करना होगा। रत्नगर श्रावकाचार में इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है। तुमने कैसेटों में सुना ही होगा। अपना ये कैसेटों का सिस्टम रत्नकरण श्रावकाचार्य जी, हाँ रत्नकरण श्रावकाचार्य जी जो पंडित सदासिव जी की टीका है इसके ऊपर, उसमें पहला ही है सम्यक दर्शन अधिकार। उसमें 6 अनायतन और 3 मूर्ताओं के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है। यहाँ पर शॉर्ट में ही उसे बताएंगे, तो आपको विशेष अध्ययन करना हो तो आप वहां से एक एक बात के ऊपर विचार करें और विषय को पढ़ते समय एक रखनी है कि देखो ये ऐसा करते हैं, वो वैसा करते, वो वैसा करते हैं, अरे कोई तो कुएं में पैसे डालता है, कोई बरगद को पूछता है। ये अपन दूसरों की निंदा करने के लिए स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। हेलो,
अभी आ रही आवाज। हाँ, इस संबंध में उन्होंने ये बात कही कि दूसरों का दोष देख देख कर निंदा ग्रही करते रहना, ऐसा दोष अगर अपने में हो तो उसे निकाल उद्यम होगा। दृष्टि बहुत आवश्यक है, अन्यथा शास्त्र पढ़ते पढ़ते भी हम मतवेश खड़े कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये विचार अपने दिमाग में बिल्कुल होना चाहिए कि देखो, दूसरों का दोष ख्याल में आवे तो उस समय अपन कर्मोदय का विचार करें और देखें कि देखो, कर्म के प्रेरे हैं ये जीव, कर्मोदय में ऐसी अवस्थाएं बनती हैं। और अपने अंदर ऐसा दोष हो तो कभी कर्म के माथे मढ़ के निर्मुक्त होने की कोशिश नहीं करना, उसको बुद्धिपूर्वक हाँ, तो ये विचार अपन रखें कि बुद्धिपूर्वक हम अपने दोषों के प्रति सजग होकर उन्हें निकालने के उद्यमी हुए और दूसरों के दोषों को कर्मदय की विचित्रता जानकर समता भाव धारण करें। आगे विचार करते हैं। अपना ये एक एसिटों का सिस्टम जी, आगे चलते हैं। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। अपना ये कैसेटों का सिस्टम अच्छा चल रहा है। तुम्हारे पिताजी के शाम के प्रवचनों के टेप्स रोज बनते हैं। उनके 4-5 सेट्स तैयार होकर तुम दोनों की तरह अन्य दूर रहने वाले भी लाभ लेते हैं। 10-15 दिन में पहली वाली कैसेट्स वापस लौटाकर दोबारा उस पर नवीन प्रवचन उतार देते हैं। तुमने कहा था कि समय के अभाव में हम काम करते करते सुनते हैं। घर के अन्य सदस्य भी कभी कभी उस पर कमेंट्स करते हैं। इससे पता चलता है कि चाहे अनचाहे वे भी सुनते हैं, सुनते तो हैं। चलो, रेडियो और टीवी दिन भर चलता रहे उससे तो यह ठीक है, फिर भी समय निकालकर ग्रंथों का स्वाध्याय करने की आदत डालो। सच्चे देव वीतरागी सर्वज्ञ हैं। पूर्ण वितरागता 12वें गुण स्थान में प्रकट होती है, उसके पश्चात ही 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता प्रकट होती है। जीव अरहंत बनता है। इससे सिद्ध होता है कि जो वितरागी नहीं है वे सर्वज्ञ भी नहीं है, वे भगवान भी नहीं है। सर्वज्ञता की पहचान तो देखकर नहीं कर सकते, परंतु वितरागता की पहचान अवश्य होगी। मुनि के पूर्ण वितरागता नहीं है, एक देश वितरागता है। उनके भी कोई परिग्रह यानी वस्त्र, अलंकार, पुष्प, माला, श्रृंगार, चंदन आदि का लेप, पात्र, नौकर, स्त्री, शस्त्र, अस्त्र, धन धान्य, गाड़ी, वाहन, घर परिवार, कायम का निवास स्थान नहीं होता। अरिहंतों को पूर्ण वितरागता है, तो फिर ये बातें उनमें कैसी हो सकती हैं? आहार संज्ञा, आहार लेने की इच्छा 6वें गुणस्थान तक ही होती है, 7वें में या ऊपर नहीं होती। इसलिए अरिहंतों को कवला आहार अर्थात भोजन होता है मानना महामिथ्यात्व है। ये सारा विषय देव मूर्ता के अंतर्गत अपना चल रहा है। देव मूर्ता का मतलब देव के संबंध में जो विविधता हमारे ज्ञान, तो इसमें क्या क्या बात आई। सबसे पहले तो देव वीतरागी होते हैं और वीतरागता पहले होती है, सर्वज्ञता बाद में होती है। इस लॉजिक, इसके पीछे कोई लॉजिक आपको ख्याल में आता है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? इट हैपेंस अदर वे अराउंड। पहले अगर सर्वज्ञता हो जाए और वीतराग बाद में हो तो इसमें क्या परेशानी? अगर पहले वीतरागता
पहले सर्वज्ञता प्रकट हो जाएगी और बाद में वीतरागता होगा, तो सम्यक दर्शन जो है वो छिद सकता है, मतलब उनके परिणाम जो है वो बिगड़ सकते हैं, मुझे मतलब इसका एक लॉजिक ये भी है बेसिकली। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही। हाँ बताइए। हाँ इसका एक लॉजिक ये भी हो सकता है कि अगर पहले सर्वज्ञता हो गई और वीतरागता नहीं हुई, तो आपको सब कुछ पता है, तो वीतरागता तो हुई नहीं, राग द्वेष इसका मतलब समाप्त नहीं हुआ, तो वो चीज तो एक तरह से डिजास्टरस हो जाएगी। मतलब आप सब जानते हो सबके बारे में, राग द्वेष खत्म नहीं हुआ, तो आप उसका गलत उपयोग कर सकते हो, तो वीतरागता प्रकट होगी, राग द्वेष खत्म होंगे। लगता है की आवाज आ रही है, बताइए। बराबर है, बेसिकली उस अनंत ज्ञान को झेलने की जो ताकत है और पात्रता है ना, वो वीतरागता, अगर उसके बिना ही सर्वज्ञता हो गई तो पाएंगे उस सर्वज्ञता को, क्योंकि आपके मन में क्या बात चल रही है, ये बात अगर मुझे अभी पता चल जाए तो मुझसे बड़ा दुखी और कोई नहीं होगा, तो सबके कारण है, पर जो उसके साथ राग द्वेष अपन खड़े करेंगे वो अपने महादुख का कारण बनते हैं उस समय, इसलिए वीतरागता सर्वज्ञता की पात्रता है। आपने दोनों ने ही सही डायरेक्शन में सोचा है। हेलो भैया, इसमें एक कारण ये भी हो सकता है कि अनंत ज्ञान को, मतलब अनंत ज्ञान को झेलने की सामर्थ्य भी अनंत वीर में होती है, या फिर उसे प्रकट करने की सामर्थ्य अनंत वीर के साथ ही प्रकट होती है, बिना उसके अनंत ज्ञान या सर्वज्ञता प्रकट नहीं होगी, इसीलिए भी मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब अनंत वीर होगा तभी जाकर के अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन होंगे। बराबर, तो ये विषय आपको ख्याल आया कि ये पात्रता वाली जो एंगल है वो एकमात्र वीतरागता में ही उसकी पात्रता पकती है कि आप अनंत ज्ञान के धनी बन सकें। अभी यहाँ कौन से एंगल से अपन बात कर रहे हैं कि हमें सर्वज्ञता तो दिखाई नहीं देती है पर वीतरागता तो दिखाई देती है, तो देव के संबंध में सबसे पहले वीतरागता का निर्णय हो गए। उस संबंध में और सारी बातें की, चंदन आदि का लेप, नौकर, स्त्री, शस्त्र, धान, धान्य, ये सब देव के संबंध में विपरीतता वाली बात है। आहार लेने के संबंध में भी बात की कि आहार संज्ञा तो मात्र छठवें गुणस्थान तक ही होती है, जब सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के जीवन में भी आहार लेने का कोई भाव नहीं है, तो अरहंत भगवान को कवलाहारी मानना ये महामिथ्यात्व का काम है, ये देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। इसी संबंध में स्त्रियां भगवान बन सकती हैं, स्त्री पर्याय से उस संबंध में बात की कि वो पांचवें गुणस्थान तक उनके जाने की एलिजिबिलिटी बनती है, उसके आगे उनका जाना संभव नहीं है उस पर्याय से, उस संबंध में भी बात की। आगे उपसर्ग इत्यादि के संबंध में बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स देव मूर्ता के अंतर्गत रत्नकंद श्रावकाचार्य जी में बहुत गहराई से आए हैं, तो जब हम एक एक गुण का विचार करते हैं, ये तो एक नास्तिक की शैली में किया गया कथन है कि अनंत भगवान को क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता, तो ये भी एक चिंतन करने की प्रक्रिया है, कदाचित कोई दोष अपने को अपने ज्ञान में उनके स्वरूप के संबंध में खड़े होते हों तो इस डायरेक्शन से भी विचार किया जाए। और पॉजिटिवली जब बात करेंगे तो वो अनंत चतुष्टय के धनी है, अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य, ऐसी सामर्थ्य के धारी वो निरंतर होते हैं। आगे देव मूर्ता के संबंध में अपने को क्या और कंफ्यूजन्स होते हैं, देव मूर्ता के संबंध में और विचार करते हैं।
स्त्री पांचवे गुण स्थान तक ही जा सकती है, ऊपर नहीं, इसलिए स्त्री को उसी पर्याय में मुक्ति मानना सर्वथा गलत है। अरिहंतों को कोई उपसर्ग भी नहीं होता। पूर्व में मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ हो तो वह भी बारहवें के अंत तक ही रहता है, अरिहंत अवस्था में नहीं। उनके रोग भी नहीं होता, उनके परम औदारिक शरीर होता है। अरिहंत भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं। वे दोष इस प्रकार हैं: क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म मरण, मद, भय, राग, द्वेष, मोह, चिंता, रति, निद्रा, आश्चर्य, विषाद, पसीना और खेद यानी व्याकुलता। तुम जानती ही हो कि अरिहंतों के 4 घातीय कर्मों का पूर्णतः 6 हुआ है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनीय व अंतराय कर्म नष्ट होकर उनके अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, अनंत दर्शन, केवल दर्शन, अनंत सुख व अनंत वीर प्रकट हुए हैं। अर्थात अरिहंत भगवान अनंत चतुष्टय के धारी हैं। भगवान के ये आत्मिक गुण हैं। भगवान के बाह्य स्वरूप के साथ साथ उनके अंतरंग स्वरूप का ज्ञान भी आवश्यक है। भगवान के गुणों का स्मरण ही उनकी सच्ची भक्ति है। यदि तुम उनका अंतर्बाह स्वरूप ही नहीं जानोगी तो मात्र मस्तक झुकाने से और मुंह से स्तुति बोलने से उनका आदर नहीं होगा, उल्टा अनादर ही होगा। अन्य देव देवताओं को पूजना, उनकी विनय करना, उन्हें अर्घ चढ़ाना, लक्ष्मी पूजन करना, नदी समुद्र को पूजना, वृक्ष को पूजना, नाग गाय आदि तिर्यंचों को पूजना, कुल देवता, यक्ष, प्यंतर, भवनवासी देव देवी को पूजना, वास्तु शांति के लिए नवग्रहों की पूजा करना, मन्नत मांगना आदि सब बातें ग्रहित मिथ्यात्व हैं। हम तो सभी देवताओं को नमस्कार करते हैं, इसलिए हम उदार मतवादी हैं, मानने वाले लोग भी हैं। इसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं। कुदेवादिकों को मानना तो मिथ्यात्व है ही, परंतु वीतराग भगवान के स्वरूप का निर्णय किए बिना मात्र कुलाचार के कारण उन्हें पूजना भी ग्रहित मिथ्यात्व कहलाता है। मुझे पता है कि आज जरा कड़क बात कर रही हूँ। वीतराग भगवान के सामने मन्नत मांगना, मुझे पुत्र दे दो, दावे का फैसला मेरे पक्ष में हो जाने दो, परीक्षा में मैं सफल हो जाऊं, मेरा धंधा व्यापार ठीक चलने दे, तो बाद में मैं इस क्षेत्र पर आकर भगवान को छत्र चढ़ाऊंगा या बच्चे के बाल मुड़वाऊंगा आदि सारी बातें मिथ्यात्व ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमें तो समाज में रहना है, जान पहचान वालों के यहाँ जाना पड़ता है, राजनीति वालों की तरह लोगों के मन को जीतने के लिए अन्य अन्य देवी देवताओं के सामने हमें दिखावे के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं। परंतु हम तो मन में नमुकार मंत्र ही बोलते हैं, भय से, लज्जा से, स्नेह से, आशा से, लोभ से, कुदेव, कुगुरु, कुधर्म का विनय सत्कार वंदन करना ग्रहित मिथ्यात्व है। वीना मोना, मुझे बहुत से लोगों ने सुझाव दिया था कि करणानियोग परिचय के पश्चात अब चरणानियोग परिचय लिखना। मैंने बहुत सारे श्रावकाचार ग्रंथ पढ़े, इन सब में सबसे प्रथम यही जीव का सर्वप्रथम कर्तव्य है। हमें सम्यक दर्शन रूपी कार्य करना है तो प्रथम उसके स्वरूप को जानना होगा और फिर वह कार्य प्रकट करने का मार्ग भी जानना होगा। इसलिए मैं इसी विषय पर विवेचन करूंगी। तुम्हें उस कार्य के कारण भी जुटाने होंगे, कारण के बिना कार्य नहीं होता, जैसे कारण वैसा ही कार्य होगा। तुम्हें गुलाब जामुन बनाना हो तो आटा, मावा, शक्कर आदि उचित मात्रा में चाहिए। शक्कर की चाशनी के बदले में नमक का पानी बना दूं कहोगी तो नहीं चलेगा, इच्छित कार्य होगा ही नहीं। उसी प्रकार हमें सुखी होना है, परिपूर्ण सुख वीतरागता में है, मोक्ष अवस्था में है, और उसकी शुरुआत सम्यक दर्शन से होती है।
यह कार्य प्रकट करने के लिए हमें जिनागम की कारण कार्य व्यवस्था को उसके रहस्य को जानना पड़ेगा। उचित कारण जुटाने एवं गलत कारण छोड़ने पड़ेंगे। कारण कार्य रहस्य पढ़ने पर ही तुम्हें पता चलेगा कि जुटाने या छोड़ने की बात भी कथन मात्र है। अब हम सम्यक दर्शन का स्वरूप देखते हैं। हाँ, आज हम यही लॉजिकली एंड लेंगे, बट आप विचार कीजिए कि अब आपको थोड़ा कनेक्शन समझ आ रहा होगा कि आखिर कारण कार्य व्यवस्था को समझने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस में ये बात है कि उचित कारण होगा तो ही वो कार्य संभव है, कारण के बिना कार्य संभव नहीं है। तो हमें जैसा फल चाहिए वैसा उसके पूर्व जो उसका कारण है वो चाहिए। इस संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप एक एक दो दो लाइन में आप लोग शेयर कीजिए कि आपको क्या ख्याल आता है इस पूरे विषय से। इसमें इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि मतलब हमें सुखी होना है, हमें सुख प्राप्त करना है, सुखी होने के लिए कारण चाहिए, तो वो कारण क्या है? तो उसके लिए सम्यक दर्शन हमारा प्रथम कर्तव्य सम्यक दर्शन है, तो वो प्राप्त करना है, तो उसको जुटाने के लिए हमको उन कारणों को जानना पड़ेगा जिससे सम्यक दर्शन, क्योंकि हमारे सुख का मार्ग आगे प्रशस्त करेगा। तो वो कारण कार्य की चर्चा यहाँ पर करेंगे, कौन कौन से कारण है जिससे सम्यक दर्शन करेंगे। बहुत अच्छा, और कोई भाई बहन अपने व्यूज शेयर करना चाहते हैं? आपने क्या थॉट प्रोसेस डेवलप की इतने ये जो हमने इसमें टाइम इन्वेस्ट किया उससे? मुझे इसमें ऐसा एक आ रहा है कि अगर जैसे हमें अंतिम समय में जैसे उदाहरण के तौर पे समाधि मरण करना है, तो हमें जीवन भर वैसा कार्य करना होगा कि लास्ट में समाधि मरण हमारा हो। अगर हम जीवन भर वैसा नहीं करेंगे, उतना कारण नहीं देंगे, तो हमारा जो कार्य है समाधि मरण का वो नहीं हो पाएगा। तो एक ये भी कारण कार्य का मतलब एग्जाम्पल जैसा मुझे ध्यान आ रहा है। बहुत ठीक है, ठीक बात है। अभी हम सारी बातें गैदर भी करेंगे, कई सारी बातें इस लेवल पर ठीक होंगी, अगले लेवल पर हम जब पहुंचेंगे तो उसमें और एक लेवल ऊपर बढ़ जाएंगे, तो फिर हम विचार करेंगे कि ये जो कारण जुटाने की बात है, छोड़ने की बात है, ये भी कथन मात्र है। तो जो हम बात अभी डिस्कस कर रहे हैं वो अभी के परिप्रेक्ष्य में एकदम ठीक है, बट आगे इसमें और रेक्टिफिकेशन होंगे, इस बात के लिए भी हम ओपन रहें। तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस हम हर जगह देखते हैं, समझते हैं, तो हमें सही बात एक कनेक्शन समझ में आ जाए कि ये काम होने का सही रीजन क्या है, क्योंकि दुनिया में एक काम के होने में कई सारे कारण दिखाई देते हैं। कई सारे कारण तो ऐसे हैं जो हों और ना भी हों तो भी काम होता है, कई सारे कारण ऐसे होते हैं जिनके अभाव रूप होने पर काम होता है, कई सारे कारण ऐसे होते हैं जिनके होने पर काम होता ही होता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके का अपने बुद्धि में ये विषय क्लियर होगा, और निश्चित रूप से हमें तत्व निर्णय लेने में ये सारे के सारा जो डिस्कशन हम कर रहे हैं इसका दूसरे लेवल का जो काम है वो है तत्व विचार पूर्वक तत्व निर्णय। तो हमें निर्णय लेने में ये सब सहायक होंगे। तो और भी आपके पास कोई थॉट प्रोसेस हो तो क्विकली हम एक आध मिनट में कवर करते हैं और फिर विराम देंगे। एक बात बहुत अच्छी आई थी स्वाध्याय के बीच में, टीके वाली बात आई थी, मतलब कि बच्चों के अगर हम टीके लगा देते हैं डॉक्टर कहता है तो,
मतलब हम हर बात डॉक्टर की मानने को तैयार हैं। अगर डॉक्टर बोलेगा कि 6 महीने में इस दिन ये टीका लगना है बच्चे को, तो वो लगाने के लिए तैयार हैं। पर सर्वज्ञ देव हमसे, जो तीन लोक के नाथ हैं, सर्वज्ञ है, तीनों कालों के ज्ञाता हैं, तो उनकी बात हम नहीं समझते हैं। वो जिनवाणी के रूप में, मतलब दिव्य ध्वनि के रूप में कह रहे हैं कि जीव धरा समय निकट है, मतलब आयु खत्म होने वाली है, तो भी हम उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब हमें सर्वज्ञ भगवान का अनादर है, मतलब सर्वज्ञ भगवान को हम नहीं मानते, मतलब हमको स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ, इसलिए हम उनकी बात नहीं मान रहे हैं। और जो डॉक्टर है उसको पैसे देके भी हम उसकी बात मान रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक्चुअली में ये हमको ये पता लगता है कि हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो कितनी अलग चल रही है। हमें भी सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप का निर्णय ही नहीं हुआ है, मतलब सच्चा श्रद्धा ये बात थोड़ी गौर करनी चाहिए। बराबर है, इसीलिए हमने वास्तविकता में सबसे पहले अपने रोल मॉडल और सर्वज्ञ भगवान के स्वरूप को समझने का ही इसमें उद्यम किया है। हम लोग बहुत गहराई से इस पे विचार करें, श्रद्धान बनाए, इसी भावना से आज यहाँ रुकेंगे जिनवाणी स्थिति। दिव्या जी जिनवाणी स्थिति कीजिए। निज में बताए यहाँ अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।